कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे को प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की गेहूं, धान, सरसों, आम, लीची, किन्नू की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। किसानों की सिंचाई भूमि के लिए कृषि विभाग द्वारा जिन कुल्हों का निर्माण किया जा रहा है उस पर कृषि विभाग के अधिकारी की निगरानी से होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भारी वर्षा व तूफान के कारण फसलों का नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। खोलीखट से लेकर रैत तक जो कुहल जायका के द्वारा 2.5 किलोमीटर बनाई गई है उसकी जांच की जाए, क्योंकि 2,88,00,000 खर्च होने पर भी किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जो कि 1,498 हेक्टेयर नेटिहार की, 714 हेक्टेयर बसनूर पंचायत और 540 हेक्टेयर रैत पंचायत में इस कुल का पानी लगता था। किसानों की फसलों को खरीदने हेतु जो कलेक्शन सेंटर गोरडा में बना है उसको अनाज मंडी बनाया जाए। रामलाल मारकंडे जी को हमने पिछले कल मेमोरेंडम भेजा है और उससे कुछ 4 दिन पहले उनके साथ भेंट भी हुई थी और हमने इस ज्ञापन में माननीय कृषि मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना की है कि जो कुलों का निर्माण चाहे आईपीएच विभाग कर रहा है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, आज अरबों रुपया कुलों पर खर्च हो रहा है। तो हमने कहा एक पूर्व में जब ये कुलें सिंचाई करती थी तो हमारे नंबरदार प्रथा थी या गांव के अंदर किसी विकास कमेटियाँ थी, कोली जो है वो उस सारी कुल का रख रखाव देता करता था और जो बेनिफिशरी जिन लोगों को सिंचाई के लिए ज़मीन में सिंचाई करते थे वो लोग कोई टोकन पैसा जो है वो जमा कराते थे किसी विकास समिति के पास और उससे वो रख रखाव होता था। आज अरबों रुपया भारत सरकार से और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो इन कुलों पे लगा रही है थ्रू जाइका, थ्रू आईपीएच डिपार्टमेंट। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि रख रखाव के लिए जैसे कोली होते थे वैसे एक सरकारी कर्मचारी की जो है हर कुल के रख रखाव के लिए किसी की नियुक्ति की जाए। दूसरा, रैत से लेकर नेटी ये बागड़ू को करती हुई जाइका की 2.5 करोड़ रुपये की कुल बनी है, लेकिन आज किसान परेशान है और परेशानी के कारण ही वो वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। आज धान की फसल जो है बर्बाद हो रही है। हमने कहा इसको कुल को ठीक किया जाए और इसकी इंक्वायरी भी जिस ठेकेदार ने बनाई है मंत्री महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया कि इसकी जो है इंक्वायरी की जाए और दूध का दूध पानी का पानी, लगभग 2,88,00,000 रुपया स्कूल पे खर्च हुआ है लेकिन आज खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। तीसरा, हमारा जो अनाज प्रोडक्शन सेंटर जो गोड़ा के अंदर बना है ये 4-5 डिस्ट्रिक्टों को कवर करता है। हम चाहते हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले और इसको अनाज मंडी जो है बनाया जाए। हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये था जो कृषि मंत्री से हमने डिस्कस किया कि जो हमारी चाहे वो गेहूं है, धान है, सरसों है, आलू है, लीची है, किन्नू है या दूसरी जो निचले क्षेत्र में जो हमारी फसलें होती हैं उनका समर्थन मूल्य जो है वो तय किया जाए, जिससे किसान जो है इतना पैसा खर्च करके अगर अब वो अपने गेहूँ या चावल या दूसरी हमारी सरसों इसको पैदा करता है तो उसका समर्थन मूल्य जो है वर्तमान सरकार तय करे। ये ज्ञापन हमने माननीय कृषि मंत्री महोदय को आज दिया।